संध्या सतटू सका सतटा पर्यंत ट्विन सिटी रे 144 धारा लागू होई छे। बंद रहुछि दुकान बजार, तबे दिन रे दुकान बजार खोला रहुथिबारु सामाजिक दूरता पालन उपरे अधिक फोकस दिया जाउछि। सामाजिक दूरता पालन रहिले सेथिपाई उभय व्यवसायी एवं ग्राहक दायी रहिबे। तबे केमिति रहिछि भुवनेश्वर स्थिति अधिक आलोचना करिबा कटक रोड प्रतिनिधि प्रबीर कुमार प्रधान। प्रबीर केमती देखुं वर्तमान दुकान बजार जदिव भुवनेश्वर टी खोला रही सोशल डिस्टेंस जो नियम रही सरकार तरफ किभली भाव में दुकान मानक नियम को पालन कर उभय ग्राहक एवं व्यवसायी। देखो भद्रक बालेश्वर जाजपुर ये तीनोटी जिला वर्तमान रेड जोन रे अच्छी आ यार भितर राजधानी भुवनेश्वर कैपिटल जहाँ बर्तमान भुवनेश्वर रेड जोन भितर अच्छी आप देखिए अत्यावश्यक सामग्री दुकान गुड़ी छाड़देले अन्य दुकान गुड़िक देखिए सहर बर्तमान जनसंख्या बर्तमान जो जो पूर्वर जहाँ स्थित ताहा नाई बर्तमान लोक मैंने घर बाहर निज कार बाइक नहीं रास्ता उपरको आसान जो आम अच्छे कटक रोड में मो कैमेरा पर्सन कह कि दृश्य देखापी देखूँ भुवनेश्वर बर्तमान स्थिति ये हूँ कटक रोड स्थिति बर्तमान जहाँ दृश्य देखुं लोक मैंने कार बाइक एवं साइकिल नहीं बर्तमान रास्ता को बाहरी जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छे से किणाबिका कर देखु यो कटक रोड आप देखु अनेक दुकान रही स्पेयर पार्ट दुकान अच्छी ट्यूब टायर दुकान अच्छी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स दुकान अच्छी अलग दुकान गुड़िक पूर्व दिन आप देखिए यह सब दुकान एत भिड़ ना कि धीरे धीरे जेहेतु दुकान गुड़िक खोल दुकान गुड़ खोलिया लोक मैंने ग्राहक मैंने बढ़ुंट कि बड़ कथा है कि भाव ग्राहक और दुकानी भितर सामाजिक दूरता रक्षा करतीपाई बर्तमान अधिक फोकस रोचे देखो बर्तमान जो सब ग्राहक मैंने आसान पखापाखी जो जो सामाजिक दूरता जहाँ रही पालन करने समस्त कड़ाकड़ी भाव कर पुलिस कमिशनर मैं स्पष्ट करते जो जो दुकान में अधिक भिड़ हम जो दुकान में सामाजिक दूरता पालन न हो से दुकान ही से प्रथम दायी रही है दुकानी जरिमाना आदाय कर ग्राहक पाखुम जरिमाना आदाय किंतु बर्तमान देखो जहाँ समय रही है दि घंटा पर पूरा भुवनेश्वर में 144 जारी हे संध्या सतटा सका सतटा पर्यटन जेहेतु 144 जारी रोचे तेणु बर्तमान दि घंटा बर्तमान लोकों पाखे समय रही दि घंटा भितर जहाँ से किणाबिका करवा कथा से किणवे तापर दुकान बजार सब संपूर्ण भाव बंद रही है तेणु देखो पूरा दृश्य रास्त पूरा गाड़ी मोटर जावास कर दुकान बजार खोलीगला लोक मैंने आसतु पखापाखि अनेक दिन होला दुकान गुड़ी बंद रही जनता कर्फ्यू परे परे पूरा संपूर्ण एरिया बंद रही है तेणु लोक मैंने बर्तमान किणाबिका आरंभ कर किसी प्रतिक्रिया तो निश्चित भाव ना कि भाव से सामाजिक दूरता रखुंत दुकानी मैंने कौन सिस्टम रही सामाजिक दूरता से केमी पालन करचार बुझा किसी दुकानी आम सहित अच्छा कि कथा कि जेहेतु 144 जारी हे आ कि समय पर तेणु लोक मैंने बर्तमान आसानी सर गोटे कथा केमी आप सामाजिक दूरता रखुं केमी मेन्टेन कर जो मैंने ग्राहक आसपाक घंटे दि घंटा पर दुकान गुड बंद कर दिजीएमसी पुलिस पीसीआर भैन आस दुकान जो मैंने दुकान बंद खोल बंद न कर चेताबंदी दिजो तुरंत दुकान बंद कर दूसरी प्रतिक्रिया दबा सर सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं जैसे आप तो दुकान अभी खुला हुआ है तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कस्टमर आता है हम लोग का, हम लोग उसको काउंटर के साइड में ही रखते हैं सामने में, उसको हम लोग काउंटर से मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस में खड़ा करके उनसे डील करते हैं। और हम लोग ये सैनिटाइजर से पहले कैश लेने से और कैश देने से पहले सैनिटाइजर से कस्टमर का खुद का हाथ भी साफ करते हैं। दुकान कब बंद होगा सर? दुकान कब बंद? 6 बजे 6 o'clock।
ये तो सिचुएशन बर्तमान कटक रोड केवल कटक रोड आप देखिए शहीद नगर नयापल्ली आपंकर जनपथ हो कि बापूजी नगर अशोक नगर ए सब एरिया बर्तमान अत्यावश्यक सामग्री को छाड़देले अन्य दुकान दुकान गुड़िक खोला रही है और लोकंर भिड़ बर्तमान बढ़ी रास्त लोक मैंने जावासा करो ट्राफिक सिग्नाल गुड़िक पूरा बंद रही है जनता कर्फ्यू पर ठारू तो बर्तमान ट्राफिक सिग्नाल अन कर दी निश्चित भाव में भुवनेश्वर कटक रोड स्थित परखु थे आम प्रतिनिधि प्रवीर कुमार प्रधान के भाव में बर्तमान व्यवसायी माने जो माने दुकान खोली सरकार को पालन करुँच स्थित बर्तमान केमती रही बाबद अवगत कराते बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर सविशेष सूचना तेज परवर्त खबर उपर नजर पकड़ा पुरी में रथ निर्माण को नहीं लग रही अनिश्चितता आहारी भितर रथ निर्माण संभव नुहे नंदीघोष रथ मुख्य महाराणा विजय महापात्र मतरे एजाए सरकार नीति स्पष्ट करूना मे 15 रे अखचक डेरा नीति होता अनुमति न आसवर एवं रथ निर्माण संभव नुहे आज श्रीमंदिर नृसिंह चतुर्दशी रथखड़े आज गुज अनुकूल होता हेल्ले आईपरना रूपकार सेवक कृष्णचंद्र महापात्र प्रशासन अनुमति न मिलवर नीति गतकाली महाराणा मैंने रथखड़े बसी बसी घर को फेरी आलोचना करिबा सदासर्ग पुरी को जिबा रचना प्रतिनिधि अक्षय मिश्र अक्षय रथ निर्माण को लेकिन जो अनिश्चितता रही केबे परदा हटिबो केबे स्पष्ट हबो रथ निर्माण हेबो कि नहीं से बाबद रे कौन सूचना रही देखु रथजात्रा को नहीं जो भी भाव आलोचना पर्यचना करा गोटे पटे परिचालना कमिटी निज कोर्ट्रु बल राज्य सरकार छोड़ा और राज्य सरकार पक्षर एवं बल जा पहुंची केन्द्र सरकार पाखे केन्द्र सरकार पक्षर अनुमति आसे राज्य सरकार अनुमति देवे रथ निर्माण पर कितु एपटे रथ निर्माण को नहीं जो भाव में महाणा सेवायत हूँ रूपकार सेवायत हूँ रथ खड़े बसी बसी फेरुंच जेहेतु अनुमति आसीना तेनाली स्पष्ट करेतु दिन गड़ी गड़ी जाऊँच आउ रथ निर्माण करवा संभव नुहे कारण देखो गत काली जब रथ निर्माण आरंभ होता से तुंभ अनुकूल करता और तुंभ कार्य आरंभ करता चलित मस 15 तारीख जेहेतु अक्षय तृतीया रोचे रोची आमर श्रीक्षेत्र भौणी जाता रोचे से दिन तीन रथर नाहका अखचक संजोगर विधि रही है आज्ञामा विजय परंपरा रही किंतु ताइपर ना अंपटे आज रही श्रीकृष्ण नृसिंह चतुर्दशी तिथि जो थे कि महाप्रभुंर जो गुज अनुकूल नीति रथखड़ अनुषित होता रूपकार सेवक आसते कि रूपकार सेवक आज से नीति अनुकूल कर पारे जहाँफल आज ठू रथखड़ सेवा आरंभ रहा तेणु से कह कथा जदि आज से सेवा से नक तेज आउ रथ निर्माण संभव नुह से स्पष्ट करेणु जे नंदीघोष रथर मुख्य महाणा जी अच्छा आमर विजय महापात्र से मत स्पष्ट करदी राज्य सरकार आज अनुमति न दिखती तेज आउ रथ निर्माण पर अनुमति आसे रथ निर्माण करवा संभवपर नुहे से स्पष्ट कर सारी तेणु एटी सबकि निर्भर कर राज्य सरकार कारण देखते रथ निर्माण पर जितेबाला जो महाणा सेवक मैंने रथ निर्माण करते जेहतु से मना कर सारी तेणु राज्य सरकार कौन निष्पत्ति रोचे कारण जेहेतु जदि कह तेब गत मस 24 तारीख जो परिचालना कमिटी बैठक होता से गोटे थी कि मे 3 लॉकडाउन द्वितीय पर्याय सर पर जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श आसपे रथयात्रा हम कि नहीं निष्पत्ति कितु एजावत ना शंकराचार्य मुह खोल ना गजपति एने किसी स्पष्ट करो निहतनी कह तेज रथ निर्माण आउ संभव नुहे कही सारापर दैतावत सेवायत मैंने कहते कि राज्य सरकार नीति स्पष्ट करतु जदि रथ निर्माण न हो तेज रथयात्रा संभव नुहे सेपटे जदि रथयात्रा जो विकल्प विधि रही श्रीमंदिर भितर जदि कर किसी विधि रही विधि नहीं कि धार्मिक न्यायाधीश जी रही जगतगुरु शंकराचार्य सहित एवं परामर्श आरंभ कर जहाँफल महाप्रभु घोषयात्रा को नहीं जो भक्त मैंने आवेग रही से आवेग परिपूर्ण हम तेणु निश्चित पक्षे आज आम कोठभोग सुर आलोचना करूँ जे विश्व सामंत से मैं कही कि श्रीमंदिर भितर विकल्प व्यवस्था रथयात्रा करु एजावत धार्मिक व्यवस्था कौन कर जगतगुरु परामर्श निया श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक ने आलोचना करूँ एवं निहाती पक्षे आउ रथ निर्माण उपरको न जा बर्तमान किभली रथयात्रा श्रीमंदिर भितर करापर पुंगानुपुख आलोचना करा तेणु एथ गोटे पटे स्पष्ट होगा लगी कि आउ रथ निर्माण पर संभव नुहे सेपटे मैं जो कह गत श्रीजगन्नाथ संस्कृति जनजागरण मंच पक्षर एक जनस्वार्थ मामला दायर कर हाइकोर्टे कि रथ निर्माण करूँ कटकणाजुक्त करो भाया गाइडलैंस सब करोन रही भाव में रथ खोला को
थाना द्वारा आच्छादित कर समस्त जो रथ सेवक मान स्वास्थ्यवस्था जांच करमाल थर्मल स्क्रीनिंग करते सामाजिक दूरत रखा जेहेतु एत बड़ रथ खोला पड़ी और रथ खोला संप्रसारण कर सहित श्रीमंदिर सम्मुखे बड़ स्पेस बाहरी सारी जबरदखल उच्छेद पर से जगह व्यवहार कर हाइकोर्ट में जनस्वार्थ मामला दायर करते तार शुणी एजावत आसी ना तेनाली अपेक्षा होती तेणु गोटे पटे आउ यह लेकिन अनेक तर्जुमा आलोचना नक जदि रथयात्रा कर रथ निर्माण करपटे जो भाव में महाणा सेवक रूपकार सेवक स्पष्ट मना कर सारे कि आउ रथ निर्माण संभव नुहे तेरे राज्य सरकार एने कौन निष्पत्ति नौकरी श्रीमंदिर प्रशासन सेवायत कौन परामर्श दिन पर दिन गड़ी चली अनिश्चितता परदा भी होटुनि यार भितर आलोचना भी चली कौन निष्कर्ष बाहर नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय मिश्र थे आम प्रतिनिधि सविशेष आमको सूचना दौले बाबदे परवर्त खबर उपर नजर पकायबा प्रवासी करा जाई 12,000 क्यांप मेडिकल क्यांप 5,00,000 बेड व्यवस्था होई क्यांप सब प्रकार सुविधा और उपकरण उपलब्ध रही सूचना देखते आईएसी मुख्य मुखपात्र सुब्रत बागची सब् प्रवासी भल खाइबार व्यवस्था होई क्यांप परिवेश सफा रखा तीन थर सफे हो क्यांप सामाजिक दूरता नियम मध्य पालन दुईट बेड मध्य 2 मीटर दूरता रही ओडिया फेरंता दायित्व नहीं 6,897 पंचायत सुपरिचा सरपंच नेतृत्व में गठन हो 5 जणिया कमिटी एत बड़ व्यवस्था होगा देशर प्रथम बोली सूचना देखते सुब्रत बागची गत 3 मई देशर विभिन्न राज्य में रही ओडिया भाई भौनी माने नियमित ओडिशा फेरुचंती आज 7,451 जन भाई भौनी ओडिशा रे फेरिचंती ओडिशा को फेरिचंती ओडिशा को फेरुथुवा लोकमानंक पई क्वारंटाइन बाध्यतामूलक ग्रामांचल को फेरुथुवा लोकमानंक पई आनुष्ठानिक क्वारंटाइन बाध्यतामूलक किंतु गर्भवती और प्रसूति महिला शिशु छात्र छात्री बुद्धिजीवी तृतीय लिंग एवं शारीरिक और मानसिक भिन्नक्षम मानंक पई आवश्यक स्थले होम क्वारंटाइन पई कर्तृपक्ष अनुमति दे पारिबे किंबा सेमानक पई स्वतंत्र व्यवस्था करि पारिबे कोविड 19 परिप्रेक्षी रे ग्रामांचल रे स्वास्थ्य सेवा को सशक्त करिवा उद्देश्य रे 6,798 ग्राम पंचायत रे 11,328 अस्थाई चिकित्सा केन्द्र स्थापित करा जायछि प्राय 22 दिन परे बिसारु हटिला कंटेनमेंट जोन सुंदरगढ़ जिले में प्रथम कोरोना आक्रांत बिसारु चिन्हट होगा पर संपूर्ण अंचल को कंटेनमेंट जोन भाव में घोषणा कर 22 दिन है अंचल में बंद रही समस्त दुकान बजार सरकारी बेसरकारी कार्यालय प्रशासन तरफ जारी रही समस्त स्वास्थ्य परीक्षा पॉजिटिव केस संस्पर्श समस्त स्वाब ए रक्त नमूना परीक्षा कर समस्त रिपोर्ट नेगेटिव आसवा पर प्रशासन तरफ गत विलंबित राति कंटेनमेंट जोन हटा पर हटा नहीं विज्ञप्ति जारी कर तेरे बिश्रा निकटवर्ती गुड़गुड़ जोड़ अंचल एबेबी कंटेनमेंट जोन रे रही माने आम यदि कह 22 दिन बनवास पर आज बिश्रा अंचल लोक मैंने सूर्योदय देख बाहर को आसी सूर्योदय देखिपार गत का रातिर जो कंटेनमेंट जोन थी ये कंटेनमेंट जोन को हटाई सारी कितु गुड़गुड़ जोड को एपर्यंत कंटेनमेंट जोन भाव बलबत्तर रखाई आप देखिपे कि भाव आम आस पहुँचू से कंटेनमेंट जोन जो 22 दिन धरी कंटेनमेंट जोन थी से बिश्रा अंचल आम बिश्रा अंचल मुख्य मार्केट ढड़ा हो देखिपे जदिव गहली ना कि दुकान बजार अनेक खोली सारी लोक मैंने धीरे धीरे जातायात आरंभ कर 22 दिन धरी आप पूरा गृहबंदी हो रही है केमी से अनुभूति केमी अनुभूति आमको मिलूला कि छुट्टी मिले छुट्टी मिला बहुत खुशी भी लगला आ देशपे आम जो बड़ी देलु एत दिन बंद कलु से आम नवीन सरकार को भी धन्यवाद दूचे मोदी को बेस कर मोदी को धन्यवाद दूचे आमको से जो रोग रु बचेले से तो कौन कहे केमी सिचुएसन देखुं आज सिचुएसन कि ना लोक मैंने टी जा खुशी होती कि ना लोक मैंने खुशी हेले जा 22 दिन है भीते रही आउ एबे टिके बाहले जा जिनस पत्र टिके किना बिका करियो टिके भल लागियो टिके आउ कोन 22 दिन रो अनुभूति केम थिला भाई 22 दिन अनुभूति कोन आउ पाटा तो कोरोना महामारी लोक समस्त पीड़ित अछंती घरे सब थुलु आउ कोन करिया आउ
अनुभूति कौन घरे रहिलु निजक बचेवा समाज को बचे देश को बचेलु कौन कर तो कौन कहे कैसे बोले क्या बोलेंगे जो आज का सिचुएशन कैसा देख रहे हैं? सिचुएशन तो अभी ठीक है, अभी जो सरकार की है वो सही की है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो डेली कहानी कमाने वाले आदमी अभी जो अभी खुल गए वो डेली कमाने खा के सकते हैं, और यहाँ पे जो गरीबी हालात में थे अभी कुछ काम करके कुछ अपना घर में राशन वासन ला सकते हैं। मैं तो अभी कितना दिन से 25-26 दिन हो गया शटडाउन हुआ हुआ, तो उसमें कितना जन का अभी तकलीफ भी हुआ, अभी सब खुश है। अभी जेहेतु लंबा समय धरी मैंने गृहबंदी हो रही थे समस्त लोक, आज कंटेनमेंट जोन जो सरकार तरफ निर्देशनामा जारी है उठी जाइए, तो समस्त मनरे एक प्रकार खुशी देखा देखाई। रौकलरु अमीरंजन परिडा, न्यूज 18 ओडिया। करोना मुकाबला पई सारा देश में चली लॉकडाउन, ग्रीन जोन में रही संबलपुर जिला सहर से, तेणु कटकणा को सामान्य कोहल कर तेरे कोहल होते ग्रामांचल रही यार प्रभाव, लोके निजे सचेतन हो बेस घर बाहर ना बेले जी भी बाहर को बाहर मास्क पिंधा मुहर में कपड़ा ढांकवार देखा मिली। संबलपुर धनकौड़ा ब्लक पंचायत बलबसपुर गांववासी मुंडाई निजे निजर सुरक्षार दायित्व। कोरोना रोग आईछे घर नहीं बाहर बाहर साइड बुलाबुली करबो नहीं घर थी घर खाना पीना सब गधा गुड़ा सब करबो बनुछ सागुन हाथ दूछ भात खाऊ का नुआ बेमार तो बढ़ जाए घर कहीं बाजारी नहीं हवा कैसी काम कौन कर नहीं हवा खाली घर बस रहू निजर काम घर कर इटा गोटे नुआ बेमार टे का बाहर लगे आम भी नहीं जाने गाँव गहलिया लोग आम घर को बाहरी नहीं पार्बार कहीं जा नहीं पार्बार घर जनता कर गोटेपटे कोरोना महामारी जो जनजीवन ठप हो पड़ा बेले एवं नवरंगपुर जिलार मका चाषी दाऊ साधि कालबैशाखी वर्षा ठिक अमल समय बेलक कालबैशाखी वर्षा पवन और कूआपथर माड़े मका गछगुड़िक भांगी पड़ी जिलार प्राय 290 एकर जमीन में मका चाष नष्ट रबी ऋतु में एकर पिछा प्राय 20,000 टंका खर्च हुए धार करी चाष कर मका चाषी किपरी ऋण परिशोध करे चिंतार एवं सरकारी सहायता पर दावी करी से कृषि विभाग पक्ष क्षयतिर आकलन कर सरकारी नियम अनुजाई जदि चाषी बीमा करेंगे तेज क्षतिपूरण मिली विभाग अधिकारी शिल्प विहीन नवरंगपुर जिलार स्थानीय लोकों एकमात्र जीविका है कृषि। विभिन्न समय रे धान मक्का पनीपरिया चाष कर निजर परिवार प्रतिपोषण करने जीविका निर्वाह करती, किंतु चलित बर्ष गोटे पटे कोरोना महामारी संक्रमण सारा पृथ्वी ग्रास कर नवरंगपुर जिलार चाषी मान दाऊ साजिश प्रकृति अदुनिया वर्षा घूर्णिजल और कूआपथर माड़ मुख्यतः मका फसल संपूर्ण नष्ट हो जाए। जिले में रायघर उमरकट तेतुखुंटी मैदलपुर इत्यादि अंचल प्रबल क्षति हो मका चाष आम पाखे किसी चाषी अच्छा से बुझने जो कौन हो प्रकृत घटना। आज्ञा आपण को न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करूँ, जो कूआपथर द्वारा आप कौन नष्ट आज्ञा आमर जे चाष कर से चाषे 20 दिन खंडे लगि था जे चाष अमल हाँपाई हेले जिते बेले से कौली रहीगला से मकाटा पूरा बर्बाद हो गला ना फिंगा को ना से बिक्री जीव से एवे आईरे कौन से कम लगभ नहीं घूर्णिजर कूआपथर दुईटा जगह आकाश नष्ट पूरा तसनस हो गले भांगी एबे आउ सीटर किसी काम हम नहीं मु छकर पूरा करी मका चाष हेले कूआपथर मांड पवन रे मोर मका सब नष्ट अमल कर सारा आम टे पचर लगे हेले एबे 20-25 दिन लगि था आम अमल हाँपाई एबे वर्तमान सब तो नष्ट किसी करबार नहीं पकाइबार नहीं कि खाइबार नहीं से कूआपथर आउ से पवन झरर ईर आम मकाटा खराब हो गला आम ए बिकी मिसा पार्बू ना आम खाई मिसा पार्बू ना एवं सरकार जदि आमको किसी सहयोग करले तो आम बंची पार्बा किसी चाषी भाई कथा जे से ऋण कर विभिन्न संस्था ऋण कर व्यक्तिगत हाथ ऋण कर चाष करते कि ठीक अमल हबार किसी दिन पूर्व चाष नष्ट
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ପୋଷିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଛଟାଗୁଡ଼ାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଛୋରିଆଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବହୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମିରେ ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ କେଣ୍ଡାରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବାରୁ ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ବିଲରେ ଖପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଛୋଡ଼ିଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗାଁରେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆଉ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଲରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେ କେମିତି ଧାନ ସବୁ ଖପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଧାନ ସବୁ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଲୁନ୍ ଫୁନ୍ କରିକରି ଚାଷବାସ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। କାହିଁକି କାଟିନି ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା? ତ ଲେବର୍ ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି କିଛି ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର। ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଛୋରିଆଗଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ, 300 ଏକର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଛି। 50% ଲସ୍ ହେଇଛି, 80% ଲସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଲସ୍ ହେବାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଅମଲ ହେବା ପାଖାପାଖି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ସବୁ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲକଡାଉନ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ କୌଣସି ଲେବର ନ ମିଲ୍ବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଏବେ ଯେନ୍ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ କଷ୍ଟ କରିକରି ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଏତେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ତାର ସବୁ ଧାନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ 5 ଏକର 86 ଡିସମିଲ୍ ଚାଷ କରିଛେ, ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍, ଧାନ ପାଚିକ ସବୁ ଝଡ଼ିଛି, କାଲି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ସବୁ ଧାନ ଯାକ ସାର୍ ଝଡ଼ିଗଲା, ଲେବର ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ ଅଛେ, ଲେବର ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କାଟିବାରେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଳ ସାଜିଛି କାଳବୈଶାଖୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛୋରିଆଗଡ଼ରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ କେହି ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଠ ଗାଁର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଲୋକେ ବିନା ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କରାଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଠ ଗାଁରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭୟରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବି କରୋନା ଛୁଇଁଛି।
प्रथम 4 कोरोना पॉजिटिव जगत सिंहपुर आसुची एवं राज्य में वर्तमान कोरोना आक्रांतों संख्या 184 को वृद्धि पाई। समस्त रही बुलेटिन को ये रखा। नमस्कार।